हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर सारथी। आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। अ वेरी हैप्पी धनतेरस टू ऑल ऑफ यू। तो आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे कंप्यूटर नॉलेज के बारे में, पार्ट वन के बारे में डिस्कशन करेंगे। और ये है हमारी 23rd थ्योरी क्लास। इससे पहले की सभी थ्योरी क्लास आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट के अंदर, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। और जो प्रीवियस ईयर पेपर हमने डिस्कस करे हैं वो आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर ही, ठीक है। तो ये जो क्लासेस चल रही हैं ये बेस्ड है नीलिट ओ लेवल और ट्रिपल सी के सिलेबस पर, और ये क्लास आपको काफ़ी हेल्प करेगी इन सभी एग्जाम्स के अंदर जहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज स्टार्ट करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके यूपी पीसीएल के एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, और वो है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आज सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की फर्स्ट क्लास है, पार्ट वन है इसका। तो आप सभी लोग शेयर कर दीजिए इस क्लास को ताकि सभी स्टूडेंट्स फर्स्ट डे से सी प्रोग्रामिंग पढ़ना स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे और स्टार्ट करेंगे यहाँ पर सी प्रोग्रामिंग को। हम इसकी थ्योरी क्लास पढ़ने वाले हैं और मैं आपको सब कुछ पढ़ाऊँगी जहाँ जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। नीलिट ओ लेवल के सिलेबस पर बेस्ड है आपका सी प्रोग्रामिंग का टॉपिक। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखो, समझना यहाँ पे क्या है। सी प्रोग्रामिंग इज अ जनरल पर्पस प्रोसीजरल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वॉज डेवलप्ड इन 1972 बाय डेनिस रिची। तो यहाँ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहले ये पूछते हैं कि सी लैंग्वेज कैसी लैंग्वेज है, ठीक है। तो सी लैंग्वेज है प्रोसीजरल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब इसका मतलब क्या है प्रोसीजरल का, ये आपको बताऊँगी आगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये कब, कौन से ईयर में डेवलप करी गई। तो 1972 में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया गया। आपको इसका ईयर याद करना है अच्छे से, और साथ ही साथ डेवलपर ऑफ सी लैंग्वेज, मतलब डेवलपर बोलो या फिर फाउंडर बोलो, डेनिस रिची, आपको इनका नाम अच्छे से याद करना है बिकॉज ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी है, ठीक है। और इसे डेवलप किया गया था बेल लेबोरेटरीज ऑफ AT&T, अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ, लोकेटेड इन द USA, ठीक है। किस लेबोरेटरी के अंदर सी लैंग्वेज को डेवलप किया गया था, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो एट AT&T बेल लेबोरेटरीज। AT&T का मतलब क्या है, अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप याद कर लो। AT&T बेल लेबोरेटरीज में सी प्रोग्रामिंग को डेवलप किया गया था बाय डेनिस रिची इन द ईयर 1972। तो ये मैंने आपको यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बातें बता दी है। अब देखो यहाँ मैंने मार्क भी किया हुआ है कि डेनिस रिची इज़ नोन एज द फाउंडर ऑफ सी लैंग्वेज। आप याद कर लो, इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इट वॉज डेवलप्ड टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स ऑफ द प्रीवियस लैंग्वेजेस सच एज बी लैंग्वेज, BCPL लैंग्वेज एक्सेट्रा, ठीक है। देखो, सी लैंग्वेज से पहले और भी लैंग्वेजेस थी, जैसे कि बी लैंग्वेज, BCPL लैंग्वेज, बट इन लैंग्वेजेस में क्या थी, कुछ प्रॉब्लम थी। तो बी एक लैंग्वेज है और BCPL का मतलब है बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो ये सी लैंग्वेज से पहले की लैंग्वेज है। इन लैंग्वेजेस के अंदर कुछ प्रॉब्लम थी, उन्हें ओवरकम करने के लिए सी लैंग्वेज को बनाया गया। और सी लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज थी जो आज तक वाइडली यूज्ड होती है, ठीक है। सी प्रोग्रामिंग इज कंसिडर्ड एज द बेस फॉर अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज मदर लैंग्वेज, ठीक है। आज जो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सुनते हो, जैसे कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, C++, C#, ये सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहाँ से बनी है, इनकी मदर लैंग्वेज कौन सी है, सी लैंग्वेज है, ठीक है। सी लैंग्वेज से ही इन बाकी लैंग्वेज को बनाया गया है। इट कैन बी डिफाइंड बाय द फॉलोइंग वेज। तो हम सी लैंग्वेज को इन तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे ये देखो यहाँ पे, ये हमारी मदर लैंग्वेज होती है, सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये। इट इज़ जनरली यूज टू क्रिएट हार्डवेयर डिवाइसेज, OS, ड्राइवर्स, कर्नल्स एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, लिनक्स कर्नल इज रिटन इन सी लैंग्वेज, ठीक है। सी लैंग्वेज को सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं। आप क्यों कहते हैं समझिएगा, बहुत सारे हार्डवेयर डिवाइसेज, ऑपरेटिंग सिस्टम, ड्राइवर्स, कर्नल्स को लिखा गया है सी लैंग्वेज की हेल्प से। जैसे अगर बात करूँ यूनिक्स और लिनक्स की, तो इनको लिखा गया है सी लैंग्वेज की हेल्प से, इसीलिए इसे बोलते हैं सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। इसके बाद है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हमारी प्रोसीजर ओरिएंटेड बोलो या फिर प्रोसीजरल बोलो, एक ही बात है।
इसके बाद यह है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अभी मैं आपको इन सभी पॉइंट्स को बताऊंगी डिटेल के अंदर, ठीक है। इसके बाद है मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो। आपसे क्वेश्चन में पूछेंगे कि सी लैंग्वेज इज विच टाइप ऑफ लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, मिड लेवल लैंग्वेज या फिर नन ऑफ दीज। तो आपको लगाना है मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ना कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हाई लेवल नहीं मानते हैं, मिड लेवल मानते हैं। इस बात को ध्यान से नोट कर लो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात समझ लीजिए, सी प्रोग्रामिंग में मैं आपको जो बताऊंगी ना, आपको वही वही फॉलो करना है, आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर करेंगे, ठीक है। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे यहाँ पे सी एज अ प्रोसीजरल लैंग्वेज। मैं आपको यहाँ पे अब इन सभी पॉइंट्स को एक्सप्लेन करूंगी डिटेल के अंदर, ठीक है, बिकॉज डिटेल से ही स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। तो समझते हैं, देखो यहाँ पे क्या है। फर्स्ट है सी एज अ प्रोसीजरल लैंग्वेज, ठीक है। सी को प्रोसीजरल लैंग्वेज क्यों कहते हैं आपको यहाँ पे बताएंगे। देखो, अ प्रोसीजर इज नोन एज फंक्शन, मेथड, रूटीन, सब रूटीन एक्सेट्रा। तो प्रोसीजर का मतलब क्या होता है, आप उसे फंक्शन भी कह सकते हो, मेथड भी कह सकते हो, रूटीन भी कह सकते हो और सब रूटीन भी कह सकते हो। तो अ प्रोसीजरल लैंग्वेज स्पेसिफाइज अ सीरीज ऑफ स्टेप्स फॉर द प्रोग्राम टू सॉल्व द प्रॉब्लम। देखो आपको सिंपल सा बताती हूँ, वट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोसीजर या फिर फंक्शन। अगर आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप स्टेप्स बाय स्टेप्स इंस्ट्रक्शंस लिख रहे हो प्रोग्राम में, तो उसे बोलेंगे प्रोसीजरल लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप सीरीज के अंदर हम इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इसलिए इसे बोलते हैं प्रोसीजरल लैंग्वेज। अ प्रोसीजरल लैंग्वेज ब्रेक्स द प्रोग्राम्स इनटू फंक्शंस, डेटा स्ट्रक्चर्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो हम आगे पढ़ेंगे सी में फंक्शंस भी होते हैं और डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स का भी यूज़ होता है। तो आप अपने प्रोग्राम को अलग अलग फंक्शंस या फिर प्रोसीजर्स में बना सकते हो और फिर कंबाइन करके एक प्रोग्राम बना सकते हो। अब देखो यहाँ पे सी इज़ अ प्रोसीजरल लैंग्वेज, इन सी वेरिएबल्स एंड फंक्शन प्रोटोटाइप्स मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर बीइंग यूज्ड। मतलब सी लैंग्वेज के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं, अभी डिस्कस करेंगे कल की क्लास में वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स फंक्शंस, इनके प्रोटोटाइप को हमें पहले ही डिक्लेयर करना होता है इनको यूज़ करने से पहले। तो जब हम डिस्कस करेंगे वेरिएबल्स क्या होता है, फंक्शंस क्या होते हैं, तो बताऊंगी आपको कैसे बनता है प्रोटोटाइप और कैसे हम डिफाइन करते हैं, कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग है सी लैंग्वेज, आपको मैं सब कुछ पढ़ाऊंगी जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोसीजर का मतलब बेसिकली यही है कि अ प्रोसीजरल लैंग्वेज स्पेसिफाइज अ सीरीज ऑफ स्टेप्स फॉर द प्रोग्राम टू सॉल्व द प्रॉब्लम। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हम सीरीज ऑफ स्टेप्स लिखते हैं उसे ही बोलते हैं प्रोसीजर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है सी एज अ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी को हम बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऐसा क्यों बोलते हैं, देखो यहाँ पे अ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ सबसेट ऑफ प्रोसीजरल लैंग्वेज। तो प्रोसीजरल लैंग्वेज का ही छोटा पार्ट होता है क्या, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब इसी के अंदर, जैसे मान लो ये आपका है प्रोसीजरल लैंग्वेज, इसे बोल रहे हैं प्रोसीजरल लैंग्वेज, तो इसी के अंदर होगा क्या आपका स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज, ठीक है। आप देखो यहाँ पे क्या है, स्ट्रक्चर मीन्स टू ब्रेक अ प्रोग्राम इनटू पार्ट्स और ब्लॉक्स सो दैट इट कैन बी इजी टू अंडरस्टैंड। अब स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि आप अपने प्रोग्राम को अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग ब्लॉक्स में डिवाइड कर रहे हो ताकि प्रोग्राम को समझना और आसान हो जाए, ठीक है। इन द सी लैंग्वेज वी ब्रेक द प्रोग्राम इनटू पार्ट्स यूजिंग फंक्शंस, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, हम अपने प्रोग्राम के अंदर एक से ज़्यादा फंक्शंस बना सकते हैं। मतलब अपने प्रोग्राम को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और फिर उन सभी फंक्शंस को कंबाइन करके हमने एक प्रोग्राम बना लिया, तो इसे बोलेंगे स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ही आता है क्या, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। इट मेक्स द प्रोग्राम ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड मॉडिफाई। जैसे मान लो आपको अपने प्रोग्राम के अंदर बनाना है कैलकुलेटर, ठीक है, तो आपको एडिशन भी करना है, मल्टीप्लिकेशन भी करना है, सब्ट्रैक्शन भी करना है, ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन भी करना है। तो उस केस में क्या हो रहा है कि हमने क्या किया है, अलग अलग फंक्शंस क्रिएट कर लिए। एडिशन के लिए एक फंक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन के लिए एक फंक्शन हो गया,
सब्ट्रैक्शन के लिए एक फंक्शन हो गया और डिवीजन के लिए एक फंक्शन हो गया, तो चार अलग अलग फंक्शंस है और उन सबको कंबाइन करके हमने एक प्रोग्राम बना लिया, ठीक है। तो यहाँ बोला गया है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या है कि एक बहुत बड़े प्रोग्राम को हमने अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड कर लिया और फिर सभी को कंबाइन करके एक प्रोग्राम बना लिया, जिससे क्या हुआ, यूज़र को समझने में आसानी हुई, बिकॉज जब उसे पढ़ना होगा कि एडिशन कैसे हुआ तो वो डायरेक्टली उस फंक्शन को समझ लेगा, उसे बाकी कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो वहाँ पर अंडरस्टैंडिंग बहुत आसान हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे है प्रोसीजरल और यहाँ पे है स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे हम कर रहे थे प्रोग्राम बना रहे थे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सीरीज में स्टेप्स लिखना, और यहाँ हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग ब्लॉक्स अलग अलग पार्ट्स बना रहे हैं ताकि समझना आसान हो जाए। तो ये दोनों आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड है। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे यहाँ पे सी एज अ मिड लेवल लैंग्वेज। अब सी को मिड लेवल लैंग्वेज क्यों कहते हैं, देखो सी इज़ कंसीडर्ड एज अ मिड लेवल बोलो या फिर मिडल लेवल बोलो, बिकॉज इट सपोर्ट्स द फीचर ऑफ बोथ लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। देखो क्वेश्चन आता है कि सी लैंग्वेज जो है ना वो मिड लेवल लैंग्वेज क्यों है, क्योंकि वो लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज दोनों के फीचर्स को सपोर्ट करती है। C language program is converted into assembly code. It supports pointer arithmetic low level. देखो जो हम programming करते हैं C language में, वो program पहले convert होता है assembly code के अंदर, ठीक है। सो इससे क्या होता है कि हम यहाँ पे pointer arithmetic कर सकते हैं, और आप जानते हो assembly language होती है low level language, but it is machine independent, a feature of high level, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, पहले सी प्रोग्राम जो होता है वो कन्वर्ट होता है असेंबली कोड के अंदर, जिससे क्या होता है कि पॉइंटर अरिथमेटिक आराम से हो पाता है, जो आपका लो लेवल में आ गया। और यहाँ पे सी लैंग्वेज क्या है, मशीन इंडिपेंडेंट है, मतलब आप इसे किसी भी मशीन पे चला सकते हो। और यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ये मशीन इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब क्या, आप इसे किसी भी मशीन पे चला सकते हो। लेट सपोज मैंने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पर एक सी का प्रोग्राम बनाया, अब मैं उसी प्रोग्राम को किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम पर भी चला सकती हूँ, चाहे उसके अंदर लिनक्स हो या फिर उसके अंदर कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम हो। तो यहाँ पे मशीन इंडिपेंडेंट है ये, तो इसके अंदर हाई लेवल का भी फीचर आ गया और लो लेवल का भी फीचर आ गया, इसलिए क्या होती है ये मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती है, ठीक है। अ लो लेवल लैंग्वेज इज स्पेसिफिक टू वन मशीन, दैट इज मशीन डिपेंडेंट। अगर बात करूँ लो लेवल लैंग्वेज की, तो वो एक मशीन तक ही सीमित होती है, मतलब मशीन डिपेंडेंट होती है, वो एक मशीन पे जो कोड बन गया वो उसी पे चलता है, किसी और पे नहीं चलेगा। इट इज़ मशीन डिपेंडेंट, फास्ट टू रन, बट इट इज़ नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड। तो लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, जल्दी चलती है, फास्ट होती है, लेकिन वो समझना मुश्किल होता है किसी यूज़र के लिए, ठीक है। मशीन को समझ में आती है वो लैंग्वेज, लेकिन कोई यूज़र उसे समझ नहीं पाता है, तो मुश्किल होती है अंडरस्टैंडिंग करने में। नेक्स्ट इज़ हाई लेवल लैंग्वेज। अ हाई लेवल लैंग्वेज इज़ नॉट स्पेसिफिक टू वन मशीन, दैट इज़ मशीन इंडिपेंडेंट, इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। तो हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, वो एक मशीन तक ही सीमित नहीं होती, वो होती है मशीन इंडिपेंडेंट। अगर आपने किसी और मशीन पर कोड बनाया है, तो आप इसे किसी और मशीन पर भी एग्जीक्यूट या फिर रन कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से एक टाइप का क्वेश्चन और बनता है कि लो लेवल लैंग्वेज के एग्जाम्पल क्या है, ठीक है। आपको क्वेश्चन में एमसीक्यू में क्या होगा, ऑप्शन दे देंगे और पूछेंगे इनमें से कौन सी लो लेवल लैंग्वेज नहीं है। तो दो एग्जाम्पल याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हो गया मशीन कोड या फिर मशीन लैंग्वेज, जो जीरो और वन की फॉर्म में होती है, उसे कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। लो लेवल लैंग्वेज जो होती है ना, वो मशीन के करीब होती है और यूज़र से क्या होती है, अंडरस्टैंड करना मुश्किल होता है उसे। एक हो गया आपका असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। दोनों ही जो होती है वो आपकी लो लेवल लैंग्वेजेस के एग्जांपल है। असेंबली लैंग्वेज के अंदर क्या होता है, यहाँ पर हम यूज़ करते हैं निमोनिक्स का, असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। तो असेंबली कोड जो होता है वो निमोनिक्स का यूज़ करता है। अब निमोनिक्स क्या होता है ये समझ लेते हैं पहले। जैसे कि यहाँ पे आपको कोई ऑपरेशन करना है, अगर आपको करना है एडिशन, तो एडिशन करने के लिए हम ए डबल डी एड का यूज़ करेंगे, ठीक है। सबट्रैक्ट करने के लिए हम एस यू बी का यूज़ करेंगे, तो ये होते हैं निमोनिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे ऑपरेशंस करने के लिए हम निमोनिक्स का यूज़ करते हैं असेंबली लैंग्वेज के अंदर। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि किस लैंग्वेज के अंदर निमोनिक्स का यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज की। तो हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जाम्पल काफ़ी सारे हैं, जैसे कि सी प्लस प्लस, ठीक है। इसके बाद जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज,
इसके बाद पाइथन एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सारी कौन सी आपकी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, क्लियर हो गया। इसके अलावा भी बहुत सी लैंग्वेजेस, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इसके अलावा बेसिक, पर्ल, पास्कल, कोबोल, ठीक है। तो ये सारी क्या है आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है, और लो लेवल लैंग्वेज के अंदर मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज इसके एग्जाम्पल होते हैं। आई होप सो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो बढ़ेंगे आगे और यहाँ बात करेंगे फर्स्ट सी प्रोग्राम के बारे में, ठीक है। किस तरीके से सी में आपको प्रोग्रामिंग करनी है, यहाँ पर डिस्कस करेंगे पहला सी प्रोग्राम कैसे लिखना स्टार्ट करना है। टू राइट द फर्स्ट सी प्रोग्राम, ओपन द सी कंसोल एंड राइट द फॉलोइंग कोड। तो सी प्रोग्रामिंग की कोडिंग करने के लिए हमें सी कंसोल की रिक्वायरमेंट रहती है। अब ये सी कंसोल क्या है? सी कंसोल का मतलब क्या है? वो प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप कोड लिखोगे, उसके बाद उसे रन करोगे और फिर आपको आपका डिजायर्ड आउटपुट मिलेगा। तो बहुत सारे IDE आपको सी कंसोल प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि डेव सी प्लस प्लस, टर्बो सी प्लस प्लस एंड कोड ब्लॉक्स। इसके अलावा और भी बहुत सारे कंसोल्स अवेलेबल हैं जहाँ पे आप सी लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सबसे छोटा सा कोड है जो हर एक स्टूडेंट करता है जब वो पहली बार सी प्रोग्रामिंग करना शुरू करता है। तो यहाँ पे हेलो सी लैंग्वेज का एक कोड है। अब देखो हैश इंक्लूड stdio.h, इसके बाद int main printf hello c language return 0, और यहाँ हमने अपने ब्लॉक को बंद कर दिया। तो ये एक छोटा सा कोड है और इसमें होगा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा एज अ रिजल्ट हेलो सी लैंग्वेज। तो ये आपका आउटपुट आएगा इस कोड को जब मैं रन करूँगी कंसोल पे, तो ये आउटपुट कैसे आएगा स्क्रीन पे, ठीक है। ये आपको समझाती हूँ, यहाँ पे हर एक लाइन का मतलब क्या आपको यहाँ बताने वाली हूँ। देखो हैश इंक्लूड stdio.h includes the standard input output library function। यहाँ पे stdio का मतलब क्या है पहले ये समझो, हैश इंक्लूड का मतलब क्या है? ये यूज होता है प्री प्रोसेसर्स को इंक्लूड करने के लिए प्रोग्राम में, ठीक है, प्री प्रोसेसर्स को इंक्लूड करने के लिए। देखो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की पहले से ही लाइब्रेरी बनी बनाई है जिसमें बहुत सारे इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी फंक्शंस हैं जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उन्हें यूज़ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इंक्लूड करनी पड़ेगी वो लाइब्रेरी जहाँ से आप उन फंक्शंस को यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, stdio का मतलब है, एसटीडी का मतलब है स्टैंडर्ड, और I का मतलब है इनपुट, O का मतलब है आउटपुट, ठीक है। तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी फंक्शंस को यूज़ करने के लिए हमें इंक्लूड करनी होती है stdio.h, ठीक है। अब देखो यहाँ पे द printf फंक्शन इज डिफाइंड इन stdio.h। जो printf फंक्शन है ना, ये वाला printf फंक्शन जिसका मैंने यूज़ किया है थर्ड लाइन में, ये डिफाइंड कहाँ पर है, stdio.h के अंदर है, ठीक है। देखो printf फंक्शन सी लैंग्वेज का पहले से ही बना बनाया फंक्शन है जिसका मेन काम क्या है कि ये स्क्रीन पर जो भी इसके अंदर हम लिखते हैं आर्ग्यूमेंट के अंदर, वो हमें स्क्रीन पर आउटपुट मतलब प्रिंट करके देता है। इसका मतलब क्या है, जो printf फंक्शन है वो हमारा आउटपुट लाइब्रेरी फंक्शन है, ठीक है। तो ये हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है। तो इसको यूज़ करने के लिए मुझे पहले स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर हैश इंक्लूड stdio.h लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है इंट मेन। देखो इंट मेन क्या है, द मेन फंक्शन इज द एंट्री पॉइंट ऑफ एवरी प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज। एक बात याद कर लो, अगर आप सी प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो आपके हर प्रोग्राम के अंदर एक फंक्शन तो कम से कम होगा ही होगा, और वो कौन सा होगा, वो होगा इंट मेन। आपके प्रोग्राम का मेन एंट्री पॉइंट होता है मेन फंक्शन। जो भी आपको प्रोग्रामिंग करनी है, जो फंक्शंस क्रिएट करने हैं, कोडिंग करनी है, वो आप मेन फंक्शन से ही करेंगे, बिकॉज सबसे पहले कंपाइलर कहाँ जाता है, वो आपके इंट मेन से ही आपके प्रोग्राम को पढ़ना शुरू करता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इसका नाम ही है मेन, मतलब ये सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, ये आपका एंट्री पॉइंट है प्रोग्राम का, यहीं से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये याद कर लेना, हर एक प्रोग्राम में अगर सिर्फ एक फंक्शन भी होगा तो वो सिर्फ कौन सा होगा, इंट मेन ही होगा, ठीक है।
अब देखो प्रिंटएफ का काम क्या होता है, द प्रिंटएफ फंक्शन इज यूज्ड टू प्रिंट डेटा ऑन द कंसोल। ठीक है, कंसोल पे अगर आपको डेटा प्रिंट करवाना है तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं प्रिंटएफ फंक्शन का। इसीलिए यहाँ पर स्क्रीन पे आ गया हेलो सी लैंग्वेज, बिकॉज आपका जो प्रिंटएफ है वो क्या है, प्रिंट करवाने के लिए हेल्प करता है स्क्रीन पे या फिर कंसोल पे। क्लियर हो गया? अब देखो यहाँ पे क्या है, रिटर्न ज़ीरो, द रिटर्न ज़ीरो स्टेटमेंट रिटर्न्स एग्जीक्यूशन स्टेटस टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो जैसे ही आपने कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया तो उसका एग्जीक्यूशन स्टेटस क्या है वो भी वापस से ऑपरेटिंग सिस्टम को रिटर्न करना पड़ता है। तो यहाँ पे दो वैल्यूज रिटर्न हो सकती है। देखो अगर आपका एग्जीक्यूशन अच्छे से हो गया, मतलब सक्सेसफुल तरीके से हुआ है, तो ज़ीरो वैल्यू रिटर्न होगी ऑपरेटिंग सिस्टम को, और अगर आपका एग्जीक्यूशन अनसक्सेसफुल रहा है तो उस केस में वन वैल्यू रिटर्न होगी ऑपरेटिंग सिस्टम को। ये बात याद कर लो, बहुत बार एग्जामिनर पूछता ये क्वेश्चन कि रिटर्न ज़ीरो में इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपका, देखो यहाँ लिखा हुआ है रिटर्न ज़ीरो, मतलब अगर आपका जो प्रोग्राम है वो ठीक तरीके से काम कर गया तो ज़ीरो रिटर्न हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम को। लेकिन मान लो प्रोग्राम में कोई एरर आ गई तो उस केस में क्या हो जाएगा, अनसक्सेसफुल एग्जीक्यूशन हो जाएगा और वन रिटर्न हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम को। जैसे ही वन रिटर्न होगा तो OS समझ जाएगा कि आपका प्रोग्राम ठीक तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हो पाया है। क्लियर हो गया? तो यहाँ मैंने आपको बताया है कि फर्स्ट सी प्रोग्राम में मैंने क्या क्या यूज़ किया है। तो ये बहुत ही बेसिक सा प्रोग्राम है, इसके अंदर बहुत लिमिटेड फंक्शंस का हमने यूज़ किया है। आगे आने वाली क्लासेस के अंदर मैं आपको एग्जांपल्स जब पढ़ाऊँगी तो आपको बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस पढ़ाने वाली हूँ जो सी में पहले से ही बने बनाए हैं, उन्हें हम यूज़ करते हैं। तो किस फंक्शन का क्या काम है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर हो गया? बढ़ेंगे आगे और देखो यहाँ बात करेंगे कंपाइलेशन प्रोसेस के बारे में, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है थ्योरी वाला। देखो सी में कंपाइलेशन होती कैसे, आपने प्रोग्राम तो लिख दिया बट सी उसे कैसे कंपाइल करेगा ये समझो। देखो व्हाट इज कंपाइलेशन, इसका मतलब क्या होता है, मतलब क्या है कंपाइलेशन का, द कंपाइलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द सोर्स कोड इन द ऑब्जेक्ट कोड। देखो जो भी आप प्रोग्राम लिखते हो सी लैंग्वेज की हेल्प से, मान लो ये हमारा प्रोग्राम ने लिख दिया, इस ये जो प्रोग्राम है ना इसे मैं बोलूँगी सोर्स कोड। क्या है ये? सोर्स कोड है ये। ठीक है, ये हमारा सोर्स कोड है, जो हमने सी लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखा ये होता है सोर्स कोड। अब जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करूँगी, पहले करते हैं कंपाइल फिर करते हैं रन, ठीक है। तो कंपाइल करते वक्त क्या होगा, कंपाइलेशन प्रोसेस चलेगा और सोर्स कोड कन्वर्ट हो जाएगा ऑब्जेक्ट कोड के अंदर, ठीक है। इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ कंपाइलर, ठीक है। तो कंपाइलर का इस्तेमाल करते हैं अपने सोर्स कोड को कंपाइल करने के लिए। द कंपाइलर चेक्स द सोर्स कोड फॉर द सिंटैक्टिकल और स्ट्रक्चरल एरर्स एंड इफ द सोर्स कोड इज एरर फ्री देन इट जनरेट्स अ ऑब्जेक्ट कोड। तो कंपाइलर का मेन काम क्या है, कंपाइलर का मेन काम क्या है कि वो सोर्स कोड को चेक करेगा क्या उसमें कोई सिंटेक्स एरर है या फिर उसमें कोई स्ट्रक्चरल एरर है। एक बात समझ लेना, यहाँ पे कंपाइलर सिर्फ सिंटेक्स या फिर स्ट्रक्चरल एरर्स को ही बता सकता है। अगर आपने लॉजिक में कोई गलती कर दी है तो वो गलती आपको नहीं पता चलेगी, बिकॉज वो गलती आपको रनिंग टाइम पर ही पता चलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे कंपाइलर बस ये चेक करता है कि आपके सोर्स कोड में सिंटेक्स सब कुछ ठीक है या फिर नहीं, मतलब जो सी लैंग्वेज का सिंटेक्स है, जैसे कि यहाँ पर हर एक स्टेटमेंट के बाद आपको सेमी कॉलन लगाना पड़ता है, अगर आपने ये नहीं लगाया तो ये हो जाएगी आपकी सिंटेक्स एरर। तो ये सब चेक करता है कंपाइलर, ठीक है। इसके बाद अगर सब कुछ सही है, आपका सोर्स कोड सही है, एरर फ्री है, तो उस केस में वो क्या करता है, ऑब्जेक्ट कोड जनरेट करता है। और ये हमारा ऑब्जेक्ट कोड है, ऑब्जेक्ट कोड जो होता है वो होता है 10 की फॉर्म के अंदर, बिकॉज आपका सिस्टम हमेशा 10 की लैंग्वेज, मतलब बाइनरी लैंग्वेज समझ सकता है, इसीलिए वो सोर्स कोड को कंपाइलर की हेल्प से कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट कोड के अंदर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो द सी कंपाइलेशन प्रोसेस कन्वर्ट्स द सोर्स कोड टेकन एज इनपुट इनटू ऑब्जेक्ट कोड और मशीन कोड। तो ऑब्जेक्ट कोड बोलो इसे, या फिर आप इसे मशीन कोड भी कह सकते हो, बिकॉज ये मशीन लैंग्वेज, मतलब 01 की लैंग्वेज में इसे कन्वर्ट कर देता है, तो इसे ऑब्जेक्ट कोड या मशीन कोड कह सकते हो। अब देखो द कंपाइलेशन प्रोसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 स्टेप्स। अब इस कंपाइलेशन प्रोसेस के अंदर फर्दर क्या होते हैं, 4 स्टेप्स होते हैं। कौन कौन स्टेप है देखो यहाँ पे, दैट इज़
प्री प्रोसेसिंग होता है पहले, फिर कंपाइलिंग होता है, फिर होता है असेंबलिंग, और लास्ट में होता है लिंकिंग। ठीक है, तो ये चार स्टेप्स है कंपाइलेशन के, इनके नाम याद कर लेना, आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है ऑप्शंस में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले, द फॉलोइंग आर द फेजेस थ्रू विच आवर प्रोग्राम पासिस बिफोर बींग ट्रांसफॉर्म्ड इन टू एन एग्जीक्यूटेबल फॉर्म। ठीक है, तो जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं तो उसे कन्वर्ट हम करते हैं एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में। तो एग्जीक्यूटेबल कोड जब बनता है उससे पहले ये किस किस फेज से होके गुजरता है वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। आज पहली क्लास है, आपको बता रही हूँ इसीलिए कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो हम कोड लिखते हैं वो किस तरीके से कंपाइल होता है, उसमें क्या क्या फेजेस होते हैं। उसके बाद कल से हम स्टार्ट कर देंगे सी लैंग्वेज को एकदम टॉपिक वाइज पढ़ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना, बिकॉज यहीं पर बच्चे मिस्टेक करते हैं, ये बच्चे नहीं पढ़ते और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं थ्योरी बेस्ड। ठीक है, तो हम ऐसी गलती नहीं करेंगे, हम डेफिनेटली इसे पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट है प्री प्रोसेसर। द सोर्स कोड इज द कोड विच इज रिटर्न इन अ टेक्स्ट एडिटर एंड द सोर्स कोड फाइल इज गिवन एन एक्सटेंशन .c। तो मैं अभी आपको बताऊंगी कि क्या होता है सोर्स कोड, कैसे लिखते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि सोर्स कोड वो कोड है जिसे हम टेक्स्ट एडिटर की हेल्प से लिखते हैं। ठीक है, और सोर्स कोड की जो फाइल होती है उसे .c एक्सटेंशन से सेव करते हैं। तो ये बात आप याद रख लो कि सी लैंग्वेज का जो प्रोग्राम होता है उसकी फाइल को आप सेव करते हो .c के एक्सटेंशन से। ठीक है, अगर आपने फाइल को सेव नहीं किया .c से तो वो सी लैंग्वेज की फाइल नहीं मानी जाएगी। ठीक है, अब देखो, दिस सोर्स कोड इज फर्स्ट पास्ड टू द प्री प्रोसेसर एंड देन द प्री प्रोसेसर एक्सपेंड्स दिस कोड। सबसे पहले सोर्स कोड जो होता है वो जाता है प्री प्रोसेसर के पास। प्री प्रोसेसर का मेन काम क्या है कि वो इस कोड को एक्सपेंड कर देता है। एक्सपेंड का मतलब क्या होता है कि जो जो फंक्शंस आपने यूज़ करे हैं उन फंक्शंस की डेफिनेशंस जहाँ पर है उसे वो बता देता है। तो मतलब कोड को एक्सपेंड कौन करता है, प्री प्रोसेसर करता है, और फिर एक्सपेंडेड कोड को वो पास कर देता है कंपाइलर को। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या होता है, इसके बाद है कंपाइलर। अब कंपाइलर क्या करता है, देखो, द कोड विच इज एक्सपेंडेड बाय द प्री प्रोसेसर इज पास टू द कंपाइलर। अब जो कोड आपके प्री प्रोसेसर ने एक्सपेंड किया है वो कोड पास होता है कंपाइलर को। द कंपाइलर कन्वर्ट्स दिस कोड इनटू असेंबली कोड। ठीक है, कंपाइलर क्या करता है, असेंबली कोड में कन्वर्ट करता है आपके एक्सपेंडेड कोड को। और वी कैन से दैट सी कंपाइलर कन्वर्ट्स द प्री प्रोसेस्ड कोड इनटू असेंबली कोड, या फिर आप ये बोल सकते हो कि जो प्री प्रोसेस्ड कोड हुआ है, जो करा है प्री प्रोसेसर ने, उसे कन्वर्ट करता है असेंबली कोड में कौन, कंपाइलर। क्लियर हो गया। इसके बाद देखो आप यहाँ पे जो एक्सपेंडेड कोड यहाँ पे आपको मिला है ये कंपाइलर ने लिया एज अ इनपुट, और आउटपुट के तौर पे यहाँ पे असेंबली कोड इसने दे दिया। ठीक है, अब ये कोड जाएगा असेंबलर के पास। ठीक है, अब असेंबलर क्या करेगा, वो असेंबली कोड को ले लेगा एज अ इनपुट। देखो, द असेंबली कोड इज कन्वर्टेड इनटू ऑब्जेक्ट कोड। तो असेंबली कोड जो होता है वो कन्वर्ट हुआ किसके अंदर, ऑब्जेक्ट कोड के अंदर। और यहाँ पे क्या होगा, द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट फाइल जनरेटेड बाय द असेंबलर इज द सेम एज द सोर्स फाइल। ठीक है, तो जो नाम होगा ना आपके सोर्स फाइल का, वही नाम ऑब्जेक्ट फाइल को भी दिया जाएगा। द एक्सटेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फाइल इज .obj, या फिर यूनिक्स की बात करें तो इसके अंदर .o होती है। ठीक है, अब देखो, जो ऑब्जेक्ट फाइल होती है ना उसकी जो एक्सटेंशन होती है वो होती है .obj, और अगर बात करें यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की तो उसमें होगी .o। मतलब जो हमारा .c फाइल थी सोर्स कोड वाली, सोर्स फाइल जो थी हमारी, उसकी एक्सटेंशन थी .c। सपोज उसका नाम था फाइल 1.c। तो जब ये सोर्स कोड कन्वर्ट हुआ ऑब्जेक्ट कोड के अंदर तो इसका जो एक्सटेंशन है ये चेंज हो गया, अब ये बन गया फाइल 1.obj, या फिर आप इसे बोल सकते हो फाइल 1.o। ये होता है यूनिक्स के अंदर। ठीक है, इफ द नेम ऑफ द सोर्स फाइल इज hello.c देन द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट फाइल वुड बी hello.obj। ठीक है, अगर आपके सोर्स फाइल का नाम है hello.c तो आपके ऑब्जेक्ट फाइल का नाम होगा hello.obj, या फिर hello.o भी हो सकता है। ठीक है, आप देखो,
नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे यहाँ पे लिंकर की। देखो यहाँ पे क्या है, मेनली ऑल द प्रोग्राम्स रिटन इन सी यूज लाइब्रेरी फंक्शंस। देखो जितने भी प्रोग्राम्स हम बनाते हैं सी लैंग्वेज के अंदर, उसमें हम ज़रूर से क्या करते हैं, लाइब्रेरी फंक्शंस का तो यूज़ करते ही करते हैं, जैसे कि प्रिंट एफ, स्कैन एफ, वो फंक्शंस जो पहले से ही बने बनाए उनको यूज़ तो हम करते ही करते हैं, ठीक है। These library functions are pre-compiled. तो ये library functions जो होते हैं ये पहले से ही क्या होते हैं, pre-compiled होते हैं, and the object code of these library files is stored with .lib or .a extension. तो इन library functions का जो object code होता है ना, वो कहाँ पर होता है store? वो होता है .lib और .a extension के साथ store होता है। द मेन वर्किंग ऑफ द लिंकर इज टू कम्बाइन द ऑब्जेक्ट कोड ऑफ लाइब्रेरी फाइल्स विद द ऑब्जेक्ट कोड ऑफ आवर प्रोग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। लिंकर का मेन रोल क्या है? देखो, जो यहाँ पर असेंबलर ने हमारे प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट कोड प्रोवाइड किया था, उस ऑब्जेक्ट कोड को कंबाइन करता है लाइब्रेरी फाइल के ऑब्जेक्ट कोड के साथ, ठीक है। मेन वर्किंग क्या होती है, कंबाइन करता है ऑब्जेक्ट कोड लाइब्रेरी फाइल्स का, जो लाइब्रेरी फंक्शंस हैं उनका जो ऑब्जेक्ट कोड है जो डॉट एल आई बी या फिर डॉट ए एक्सटेंशन के साथ स्टोर है, उस ऑब्जेक्ट कोड को कंबाइन करता है हमारे प्रोग्राम के ऑब्जेक्ट कोड के साथ। कौन करता है? लिंकर करता है। तो ये मेन काम होता है लिंकर का। आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखो असेंबलर ने क्या किया, असेंबली कोड को एक्सेप्ट किया और ऑब्जेक्ट कोड को दिया। अब लिंकर ने क्या किया, लिंकर ने क्या किया, लाइब्रेरीज में जितने भी आपके लाइब्रेरी फंक्शंस थे उनके ऑब्जेक्ट कोड को लिया और जो अदर ऑब्जेक्ट फाइल्स थी उनको भी लिया और आपस में इसे इसे और इसे कंबाइन करके आपको एग्जीक्यूटेबल कोड दे दिया, जो होता है हमारा मेन प्रोग्राम जिसे हम बोलते हैं एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम, ठीक है, जो रन करता है एक्चुअली, जो हमारा आउटपुट हमको देगा। तो इस तरीके से इन चार फेजेस के अंदर काम करता है क्या, कंपाइलेशन प्रोसेस। आई होप सो आपको समझ में आया होगा कि जो भी हम कोडिंग करते हैं उसका मेन काम क्या है, पीछे क्या होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो मैंने कल आपको बताया था। कल मैंने आपको UPPCL असिस्टेंट अकाउंटेंट का प्रीवियस पेपर करवाया था जिसके अंदर ये क्वेश्चन आया था, सी लैंग्वेज से क्वेश्चन था, तो इसमें एक मिस्टेक हो गई थी। क्या, देखो क्वेश्चन पहले पढ़ लेते, क्या है, व्हाट इज़ द साइज ऑफ द फॉलोइंग एरर डिक्लेरेशन इन सी इफ़ करेक्टर रिक्वायर्स 1 byte मेमरी स्पेस। तो यहाँ पे एक एरे को डिक्लेयर किया गया है, करेक्टर टाइप का एरे है, कैर नेम इस एरे का नाम है और यहाँ पे है स्क्वायर ब्रैकेट्स, इसके बाद यहाँ पे इसको हमने इनिशियलाइज कर दिया ए बी सी डी ई के साथ। तो मैंने मिस्टेक ये कर दी, मैंने आपको बताया था, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि करेक्टर जो होता है ना वो 1 byte मेमोरी स्पेस लेता है मेमोरी के अंदर। तो यहाँ पे जो ये आपका है, ये जो करेक्टर का पूरा सेट है, ये कितना साइज लेगा मेमोरी में? तो मैंने आपको बोला था कि इसका आंसर 5 byte होगा, लेकिन नहीं, इसका आंसर 6 byte होगा और ये बिल्कुल ठीक है। ऐसा क्यों होगा, देखो मैंने एक चीज़ मिस कर दी थी, वो ये है कि बताती हूँ आपको। देखो जो आपके क्या होते हैं, करेक्टर्स होते हैं, ये बेसिकली एक स्ट्रिंग बन चुकी है। देखो सेट ऑफ करेक्टर्स जो होते हैं ना, सेट ऑफ करेक्टर्स, उससे मिलकर बनती है स्ट्रिंग। तो यहाँ पे अगर मैं सिर्फ ए लिखूंगी ऐसे सिंगल कोड के अंदर तो ये तो बन गया करेक्टर, लेकिन जब मैं डबल कोड्स के अंदर ए भी लिखती हूँ तो ये मेरी स्ट्रिंग बन जाती है, ठीक है। तो डबल कोड्स के अंदर हम स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे ये स्ट्रिंग है। तो मैंने अपने एरे के अंदर क्या क्या, बेसिकली देखो ये मेरा एरे है ऐसे, यहाँ पर ए आ गया, यहाँ पर बी आ गया, यहाँ पर सी आ गया, यहाँ पर डी और यहाँ पर ई। टोटल इसके अंदर है 5 elements, ठीक है। तो इसको मैंने 0, 1, 2, 3, 4 इंडेक्सिंग प्रोवाइड कर दी। इस तरीके से ये मेरा नेम नाम का एरे है जिसके अंदर करेक्टर स्टोर है अलग अलग, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर ये एक स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखो जो हमारा कंपाइलर होता है ना, वो स्ट्रिंग के एंड में क्या करता है, नल करेक्टर को अपेंड करता है। इस तरीके से होता है, नल करेक्टर जिसे अपेंड करना होता है स्ट्रिंग के एंड में, ये पता करने के लिए कि स्ट्रिंग कहाँ पर एंड हो रही है। तो इसलिए हमें इसका साइज भी इंक्लूड करना पड़ेगा।
पड़ेगा। तो ए बी सी डी ई तो हो गए पांच अलग अलग करेक्टर्स, प्लस में एक हो गया नल करेक्टर, टोटल हो गए 6 बाइट्स। ठीक है, तो हर एक स्ट्रिंग के एंड में नल करेक्टर अपेंड करता है कंपाइलर खुद से, यहाँ पे लगा नहीं हुआ है लेकिन कंपाइलर खुद से उसे अपेंड करेगा, इसीलिए उस नल करेक्टर का साइज भी हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। नल करेक्टर बेसिकली ये बताता है कि आपकी स्ट्रिंग कहाँ पर एंड हुई है। ठीक है, तो ए बी सी डी ई के बाद यहाँ पर स्ट्रिंग हो गई खत्म, लेकिन कंपाइलर कैसे पता करेगा स्ट्रिंग खत्म हो गई, वो वहाँ पर नल करेक्टर को अपेंड कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे इसका आंसर 6 बाइट्स ही आएगा, 5 बाइट्स नहीं आएगा। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स इसे करेक्ट कर लेना, यहाँ पे ये मिस्टेक थी। अब मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से हम सी कोड करेंगे। देखो यहाँ पे मैंने यही सेम प्रोग्राम जो है, जस्ट अ मिनट, आपके लिए ये देखो, ये है डेव सी प्लस प्लस। ये क्या होता है, एक टाइप का है आपका IDE है जिसके अंदर आप सी प्रोग्रामिंग कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, हैश इंक्लूड stdio.h। अब यहाँ पे हैश इंक्लूड conio.h का यूज़ आप कर भी सकते हो या फिर नहीं भी कर सकते हो, इसे बोलते हैं कंसोल इनपुट आउटपुट। ठीक है, बहुत सारे IDE में हम इसे यूज़ करते हैं, लेकिन अगर इसमें नहीं भी करेंगे तो ये चल जाएगा। ठीक है, लेकिन टर्बो C++ के अंदर आपको इसको ज़रूर से यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद इंट मेन है, यहाँ पर देखो मैंने इसी वाले कोड को यहाँ पर लिखा है आपको समझाने के लिए। देखो ये सेम कोड है, मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया है। देखो यहाँ पे क्या है, कैर नेम नाम का एरे इज इक्वल टू ए बी सी डी ई। अब देखो साइज ऑफ करेक्टर एरे इज परसेंटेज डी, तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, इस करेक्टर एरे का साइज प्रिंट करवाया है, तो प्रिंट एफ फंक्शन का यूज़ कर लिया है। और यहाँ पे परसेंटेज डी का मतलब क्या है, देखो परसेंटेज डी मैंने क्यों लगाया है, आप बोलेंगे कि मैम ये तो करेक्टर एरे है, इंट तो है नहीं, फिर भी आप परसेंटेज डी क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि जो साइज ऑफ है, साइज ऑफ एक क्या होता है, ऑपरेटर होता है जो किसी भी जो आपका वेरिएबल है या फिर आपका कोई टाइप है उसका साइज आपको रिटर्न करके देता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो नेम टाइप का एरे है उसका साइज मेरे को चाहिए, और जो साइज होगा वो तो होगा इंटीजर के अंदर, तो उस इंटीजर के लिए मुझे यहाँ पे परसेंटेज डी लगाना पड़ेगा। अब देखो ऐसे आपने पूरा कोड लिख दिया, अब देखो यहाँ पे आपने जब पूरा प्रोग्राम लिख लिया उसके बाद हम जाएंगे फाइल में और सेव करेंगे इसे। सेव करेंगे इसे, आप यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं, तो मैं यहाँ पे दे रही हूँ फाइल 1.c एक्सटेंशन के साथ आपको सेव करना पड़ेगा फाइल नेम, इसके बाद सेव पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो फाइल 1.c नाम से मैंने इस सोर्स कोड को सेव कर दिया। इसके बाद जाएंगे एग्जीक्यूट पे और कंपाइल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही कंपाइल पे क्लिक करेंगे, देखो यहाँ लिखा गया एरर्स 0 वार्निंग्स 0, मतलब यहाँ पे कंपाइलेशन रिजल्ट्स आपको दिख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जाएंगे एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे एंड देन क्लिक करेंगे रन पे। जैसे ही रन पे क्लिक करोगे यहाँ पे देखो क्या आ गया, यहाँ पे आ गया साइज ऑफ करेक्टर एरे 6, मतलब यहाँ पर 6 बाइट्स है। 6 का मतलब क्या है, 6 बाइट, बिकॉज 1 करेक्टर जो होता है, एक सिंगल करेक्टर, वो 1 बाइट की मेमोरी लेता है हमारे मेमोरी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी सी डी ई के बाद नल करेक्टर भी आएगा, इसलिए यहाँ पर 6 बाइट यहाँ पे इसका पूरा साइज लगने वाला है। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया, इसे बोलते हैं कंसोल। क्या बोलते हैं इसे, कंसोल, जो आपका आउटपुट आता है ना ब्लैक स्क्रीन पे, इसे बोलते हैं कंसोल। क्लियर हो गया, तो यहाँ पे कंसोल इनपुट आउटपुट, इस लाइन को अगर मैं नहीं भी लगाऊंगी उसके बिना भी मेरा प्रोग्राम रन कर जाएगा। ठीक है, आप देखो मैं दोबारा सेव करूंगी इसे, कंट्रोल एस करूंगी प्रेस, फिर से करते हैं एग्जीक्यूट और कंपाइल पे क्लिक करेंगे, अभी भी यहाँ पर एरर्स और वार्निंग्स 0 ही है। एग्जीक्यूट देन रन, तो यहाँ पे देखो अभी भी इसका आंसर क्या आ गया, साइज ऑफ करेक्टर एरे इज 6। तो इस तरीके से आपको आउटपुट स्क्रीन पे आंसर मिलता है, हालांकि हमें इससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ थ्योरी से मतलब है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से प्रोग्राम यहाँ पे लिखते हैं और कैसे कंसोल पे आपको आउटपुट मिलता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हमने आज बात करी सी प्रोग्रामिंग के बारे में एकदम स्टार्टिंग से, कौन इसके फाउंडर है, किस ईयर में डेवलप किया गया था और इसे किस लैब में डेवलप किया गया। इसके अलावा सी को हम बोलते हैं मदर लैंग्वेज, और ये है आपकी है प्रोसीजरल ओरिएंटेड लैंग्वेज, स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और मिड लेवल लैंग्वेज। इसके बाद मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया कि प्रोसीजरल लैंग्वेज क्यों है, स्ट्रक्चरल लैंग्वेज क्यों है, इसके बाद मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों है, लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, इसके बाद पहला सी प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, और यहाँ पे यूज़ होने वाले आपको सभी फंक्शंस के बारे में बता दिया।
इसके बाद कंपाइलेशन क्या होती है सी के अंदर, कितने इसके अलग अलग फेजेस होते हैं, कितने स्टेप्स होते हैं, तो चार स्टेप्स होते हैं, प्री प्रोसेसिंग, कंपाइलिंग, असेंबलिंग एंड लिंकिंग। और यहाँ पे आपको विद डायग्राम एक्सप्लेन किया है कैसे सोर्स कोड एग्जीक्यूटेबल कोड में आता है, फेज बाय वे फेज कैसे इसके अंदर कोड में चेंजेस आते हैं, ठीक है। और इसके बाद ये जो कन्फ्यूजन थी ये भी मैंने दूर कर दी है। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। तो अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए लर्नर सारथी को। आई होप आप सबका जो दिन है आज का वो बहुत अच्छा जाएगा और दिवाली आपके घर में खुशियाँ लेके आएगी और बहुत सारी हैप्पीनेस आपके घर में भर जाएंगी, ठीक है। सो विश यू ऑल वेरी गुड लक एंड ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। तो मिलते हैं कल की क्लास में। सी प्रोग्रामिंग की पहली क्लास कैसी लगी इसका फीडबैक आप ज़रूर देना कमेंट बॉक्स के अंदर, ताकि इस तरीके से आपकी क्लासेस चलती रहे। और जल्द ही हम क्या करेंगे, टॉपिक खत्म होने के बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मैं कल से लेके आऊँगी आपके लिए, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।